एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है। एक पूर्व विधायक राम गुलाम उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। राम गुलाम उइके ने कहा, इस एक आदमी ने सबको परेशान कर रखा है। उइके ने जनता से सवाल करते हुए कहा, इंदिरा गांधी को गोली से उड़ा दिया गया, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, मोदी जी को उड़ाने के लिए कोई बम नहीं बना सक रहे क्या? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पूर्व विधायक राम गुलाम उइके भाषण देते देते अपना आपा खो बैठे। धनोरा विकास खंड के कुडारी गांव में आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में अपना भाषण शुरू किया और कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर 130 करोड़ जनता को मोदी सरकार द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत का जिक्र करते हुए जनता से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी को उड़ाने के लिए कोई बम नहीं बना पा रहे क्या? इनको क्यों नहीं उड़ाया गया? इतना ही नहीं, उइके ने प्रधानमंत्री को हत्यारा तक बता दिया। बेकार कि इसका ट्रीटमेंट हो गया, कैसे ट्रीटमेंट हुआ? जब जिसकी वैक्सीन तैयार नहीं कर पाई आज भारत सरकार ने, वो अच्छा कैसे हुआ? वो माने गरीब बीमार होगा, जो होगा कोरोना होगा, वो मारे कैसे होगी? कितनी ईयर के बेच रहे तुम? अरे 130 करोड़ के लोगों को मूर्ख बना के रखे एक किया आदमी ने, और हम लोग झेल रहे? हम भी बेचारे हैं। वो विदेश के अब बम नहीं बन रहे हैं का? इंदिरा गांधी की गोली मारे नाने गोली बन गई, राजीव गांधी के बम से उड़ान के नाने विदेश में माने बम बन गए, मोदी जी के उड़ान के नाने कोई बम नहीं बना सक रहे का? नहीं जरा बेचारे हैं कि इन्हें गोली से क्यों मारा गया, क्यों उड़ाया गया, और इनको कहाँ नहीं उड़ा रहे हैं? हमारे देश में ही हत्यारा हैं, और वो हत्यारा आज सत्ता तक पहुंच गए, और वो अब 130 करोड़ पब्लिक के ऊपर अब हत्या करना चालू कर दिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष उइके के इस विवादित बयान को बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुदामा गुप्ता ने निंदनीय बताया और कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रति ऐसी भावना रखना निंदनीय है। उन्होंने विवादित बयान देने वाले जिलाध्यक्ष से तत्काल माफी मांगने को कहा है। वक्तव्य हमने देखा है, उसमें उन्होंने कहा है इंदिरा जी के लिए गोली बन सकती है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए बम बन सकता है, तो मोदी के लिए बम क्यों नहीं बन सकता? देश के प्रधानमंत्री, देश की संपत्ति, देश के वरिष्ठों के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति यह भावना रखना निंदनीय। मैं राम गुलाम जी से आग्रह करूंगा तो तत्काल इस बात की माफी मांगे। लखनादौन ब्लॉक अध्यक्ष आशीष गोल्हानी ने गोंगपा के जिलाध्यक्ष के विवादित भाषण पर कहा कि उनके द्वारा आदिवासी भाइयों को बरगलाने का काम किया गया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता विजय उइके ने भी राम गुलाम उइके द्वारा दिए गए विवादित बयान की निंदा करते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की है। पूर्व मंदसौर विधानसभा के विधायक राम गुलाम उइके के द्वारा जो निंदनीय बयान दिया गया है, जिसमें हमारे आदिवासी विधानसभा क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी भाइयों को बरगलाने का काम, उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करने का काम जिस प्रकार से राम गुलाम उइके के द्वारा किया गया है, इसकी हम तीखी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और हमारे जिले के नेतृत्व को हमने अवगत कराया है कि कुड़ारी में जिस प्रकार से उन्होंने सभा के दौरान इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम और गोलियां छोड़ा देना चाहिए, इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भोले भाले आदिवासी भाइयों को जिस प्रकार से वह उकसा रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पूर्व विधायक द्वारा जो टिप्पणी की गई व्हाट्सएप में हमने देखा, उन्होंने ये बोला कि इंदिरा गांधी जी को गोली से मारा गया, राजीव गांधी को बम से उड़ाया गया, ऐसा कोई विदेश में बम गोली नहीं बनी जो मोदी जी को उड़ा सके। ये हमारे आदिवासी समुदाय के बीच में बोला। उन्होंने कुड़ारी ग्राम में आदिवासी समुदाय की बैठक आयोजित की गई, बैठक में उन्होंने सबके सामने इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि बिल्कुल अशोभनीय है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।